यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। पर धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो सिर्फ माँ के चरणों में है। दुनिया में माँ को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए माँ से ज्यादा मनोकामनाएं कोई नहीं मानता। हमेशा खुद को पीछे रखकर बच्चों की भलाई करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ माँ है। माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता है। लेकिन अगर आपकी माँ को आपके ही कारण ना चाहते हुए भी कष्ट मिल रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आज के दिन विशेष गुरुदेव आपको बताने वाले हैं कैसे आपकी माँ के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। गुरुदेव, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं, माँ के सुख का कारक बच्चे की कुंडली में कौन सा देखा जाता है? भोलेनाथ। क्योंकि आप अगर भोलेनाथ का कोई भी आप चित्र उठा लीजिए, आप उनका शास्त्र उठा लीजिए, ठीक है, आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको माँ मई ममता का फील उसी के अंदर आएगा। भोलेनाथ अपने हर भक्त को बच्चों की तरह ही संभाल के रखते हैं और बाप वाला नहीं, माँ वाला प्यार भी देते हैं, ठीक है। तो यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के देवता श्री भोलेनाथ जी, ठीक है, और चंद्रमा से ही माँ देखी जाती है जन्म कुंडली के अंदर। और जैसे शीतल जल होता है ऐसे ही माँ की ममता होती है, ठीक है। अब शीतल जल को जब उबाला जाता है तो वो भी माँ ही होती है जब माँ पिटाई करती है, ठीक है। तो जल का खोलना यानी कि माँ को गुस्सा आना, और जल का शीतल होना यानी कि माँ की गोद, जो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वो बनती है। और माँ की लोरिये, उसका दुलार, वो आनंद देता है, ठीक है। तो चंद्रमा से माँ को देखा जाता है या माँ के कारक चंद्रमा बनते हैं। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज परिवार के साथ कहीं पर भी मस्ती में वक्त बिताना हो उसके लिए दिन भी बहुत बेहतर है। और कामकाज में जाकर के अगर काम को कामयाब करना हो तो उसके लिए भी दिन उत्तम है। तो किसी उपाय की जरूरत तो है नहीं, तो माता पिता का आशीर्वाद ले और शुरू करें अपना दिन। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में कमी भी देखने को मिलेगी और कामकाज के अंदर नुकसान के हालात हैं। तो इसीलिए हो सके पहले से शुरू किए हुए काम वो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं कोई शुरुआत ना करें। तो यहाँ थोड़ा संभल करके रहें और थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का अपना दिन तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन खास किसी व्यक्ति की वजह से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहें, डिपेंडेंसी कम करें, किसी पे डिपेंड ना रहें, ठीक है। और सुबह सवेरे थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, माँ अगर बार बार बीमार हो रही हैं तो इसके पीछे बच्चे की कुंडली का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कौन सा योग देखा जाता है? बेटा, ये परिवार है। लाल किताब में एक वाक्य आता है, कहते माँ पर धी बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों की जन्म कुंडली का असर वो भी माँ झेलती है, भाइयों की कुंडली में बहन का असर वो भी माँ झेलती है, पति की कुंडली में पत्नी का असर वो भी माँ झेलती है, ठीक है। तो कितनी जगह माँ को पिसना पड़ता है। अब यही नहीं कई बार पता चलता कि किसकी कुंडली के अनुसार माँ को सजा मिल रही है। तो वो बच्चे की कुंडली हो सकती है, वो पति की कुंडली हो सकती है यानी कि पिता की, और यह अपने ही भाई बहन की कुंडली के अंदर बहन के लिए अच्छा योग ना हो उसकी हो सकती है। लेकिन माँ जब बीमार होती है और बार बार होती है,
तो ऐसे में नेचुरली बात है ये इम्यूनिटी की कमी हो गई। तो ऐसे में किसी न किसी रूप में मंगल और पापी ग्रह ये किसी न किसी रूप में माँ वाले ग्रह को खराब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ दिन त्यौहार के अंदर माएँ बहुत कुछ बना करके दान करने का काम करती हैं, और दान करने में आप चाहे हलवा पूरी लगा लीजिए, चाहे आप खीर पूरी लगा लीजिए, चाहे चटपटा कुछ बना करके वो दान करती हों, तो कुछ ना कुछ ये तले भुने ये बना करके माँ दान करती रहती है, और नहीं तो सूखा अनाज ही दान करती है। इनको स्पेशली तौर पे जो गृहिणियों को गाय की सेवा बोली गई है वो यही रीज़न है कि शुक्र हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे कि शुरुआत से ही ब्याहता औरतों को पाँव के अंदर बिछुए और पायल का एक विधान बनाया गया है। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, संस्कार नहीं है, ये एक्यूप्रेशर है, और एक्यूप्रेशर से अगर हम इनको अपनी उंगलियों को थोड़ा प्रेशर दे करके रखते हैं, और जो मनी बंद पाँव का है यानी कि ये गिट्टे के पास का हिस्सा है, इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता रहता है चांदी का ही, तो ऐसी अवस्था में उनकी इम्यूनिटी पूरी बरकरार रहती है, कमर पाँव में दर्द नहीं होते, पेट नहीं खराब होता, नज़र पे कोई बुरा असर नहीं आता। तो इसीलिए संस्कारों के अंदर यही सबसे उत्तम चीज़ लिखी है। तो ब्याहता औरत यानी कि माँ को पाँव के अंदर चांदी के बिछुए और पायल ज़रूर पहनने चाहिए, माँ को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इसके अलावा खाने पीने में हल्दी का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए, और दान जिसके लिए कहा जाता है घर की पहली रोटी, और वो कच्ची पक्की ही ऑलवेज बनती है, पूरी खाने लायक नहीं बनती, वो उतार के अलग रख देनी चाहिए, और उसमें से आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, और आधी से आधी कौवे को, ये देने से शुक्र केतु ठीक है और शनि, इन तीनों की एनर्जी माँ को मिलती रहती है, जिससे कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और शरीर खराब नहीं। गुरुदेव, ये उपाय माँ के लिए, बच्चे भी कुछ अपनी माँ के लिए उपाय करें जो उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि माँ बीमार पड़ रही हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को क्या उपाय करना चाहिए? आप देखते हैं कि हम चरणामत परमात्मा को अर्पित करते हैं, ठीक है, उसके अंदर दूध भी होता है, शहद भी होता है, तुलसी दल भी होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसी अवस्था में भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, ठीक है, या परमात्मा, अगर आप भोलेनाथ को नहीं मान रहे, आप वैसे भी परमात्मा को मान रहे, किसी को भी, वहाँ चरणामृत बना करके, पंचामृत बना करके अगर आप वो मंदिर के अंदर चढ़ाते रहते हैं, तो वो परमात्मा को दान देना नहीं, वो एक तरह का अपनी माँ को स्वास्थ्य और समृद्धि का लाभ देने में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम पंचामृत बना करके परमात्मा को अर्पित करते हैं, तो बहुत सारी उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड ऊर्जा, खास तौर पे चंद्र और मंगल, ठीक है, इन दोनों को हम एक तरह का मंदिर में दे करके अपनी ऊर्जा वहाँ छोड़ के भी आते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई दूसरी ऊर्जा को लेकर के भी आते हैं। तो ये लेन देन, जैसे बहता हुआ जल ऑलवेज स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक है, खड़ा हुआ जल वो सड़ जाता है, इसी तरह से हम मंदिर के अंदर जब पंचामृत बार बार जाकर के अर्पित करते हैं और वहाँ से आचमन लेकर के वो घर पे आते हैं, तो चंद्र और मंगल की ऊर्जा को दे के आते हैं और चंद्र और मंगल की फ्रेश ऊर्जा को साथ में लेकर के आते हैं, और जब ये ऊर्जा बनी रहती है तो घर में सुख शांति, समृद्धि, पैसे का आना, ये सब कुछ अपने आप ही हो जाता है और अपनी बुद्धि वैसे ही काम करने लगती है। और अगर सुख शांति समृद्धि ये तीन चीज़ घर में हों तो माँ को और कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद तो उसको सिर्फ परिवार चाहिए जो उसके पास होता है। तो माँ के लिए सबसे बड़ा अमृत में ये है कि उसके बच्चे मंदिर के अंदर पंचामृत अर्पित करें और चरणामृत लेकर के पी करके घर पे आए, ये आप पे और आपकी माँ पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा और परमात्मा का आशीर्वाद आप सबके साथ होगा। माँ का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय आप जरूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज परिवार का पूरा सुख सहयोग रहेगा, दोस्तों का सुख सहयोग रहेगा, अचानक कहीं से बैठे बिठाए लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, कुछ अच्छा होगा। तो कुल मिला के दिन अच्छा है, थोड़ा सा गुड़ मंदिर में दें, फिर देखिए लाभ ज़्यादा भी हो सकता है। सिंह राशि वाले लोग आज अगर प्लान बना के किसी भी काम के लिए निकलते हो, उसमें कामयाबी का योग है।
और नहीं तो खुशी भरा माहौल तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो या जानकारी में हो, तो कोई ना कोई विवाह शादी पार्टी कोई भी खुशी का माहौल आज आपको वो भी मिलने वाला है। तो सुबह सवेरे पक्षियों को कुछ खाना वगैरह दे के तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग आज सुबह सवेरे मंदिर जाकर अगर कन्याओं को कुछ ना कुछ दे करके खुश करते हैं तो आज आपका दिन भी पूरी तरह से मंगलमय होगा। परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुशियों भरा होगा और दिन बहुत अच्छा जाएगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, माँ को बार बार चोट लग रही है तो इसके पीछे बच्चे की कुंडली का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? चोट में अगर खून निकलने तक की चोट है उसके लिए जिम्मेवार होता है खराब मंगल, और अगर गुम चोट लगती है, ठीक है, और हड्डी तक अगर वो जाती है तो उसका जिम्मेवार जो होता है वो केतु होता है, ठीक है, और अगर ऐसी चोट लगती है जिसमें स्वेलिंग बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार बृहस्पति होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में अगर माँ को चोट लग करके बार बार खून निकलता है तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा मंगल की वस्तुएं, यानी कि आप चाशनी बनाएं गुड़ की, उसको आटे के अंदर गूंदें और गूंद करके उसको तंदूर के अंदर लगवाएं, 8 रोटियां बनवाकर, 8 पेड़े बनाकर तंदूर में लगवा के और वो छोटे छोटे पीस करके पक्षियों को डालते हैं। ये अगर हर मंगलवार को करते हैं तो माँ को चोट लगनी बंद हो जाएगी, ये खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी चोट लगती है जिससे कि शरीर में स्वेलिंग आती है, टांग सूज जाती है, पाँव सूज जाता है, हाथ पाँव के बाजू सूज जाता है चोट लगने से, तो ये बृहस्पति की खराबी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम है कि चने की दाल मंदिर में देते रहें या माँ स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखे और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें, और बृहस्पतिवार के उस व्रत के अंदर पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटते हैं तो इससे बृहस्पति देव अच्छे होने लगते हैं और स्वेलिंग वाला मामला वो खराब जो हो रहा है वो ठीक होता है। फिर तीसरा है, अगर उनके हाथ पाँव में ऐसी चोट लगती है जो हड्डी तक जाती है और हड्डियों के अंदर दर्द होता है तो ये केतु की खराबी। तो ऐसी अवस्था में वैसे तो इसका बहुत आसान उपाय है 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना, लेकिन वो किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर कोई भी खट्टी मीठी चाट चटपटी चीज़ बना करके अगर गरीबों में बांटते रहेंगे तो केतु देव अपना बुरा प्रभाव छोड़ देंगे, ठीक है। और माँ को चाहिए कि दूध में हल्दी मिला करके वो सोमवार और बृहस्पतिवार को पिया करें तो इससे भी केतुदेव अच्छे होने लगते हैं। और अगर ये दूध हल्दी शहद ये मंदिर के अंदर अगर चढ़ाते रहें तो ऐसे में ये केतुदेव अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके माँ के लिए बहुत ही उत्तम हालात बनाए। तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं इनके आज के दिन का पूरा हाल। तुला राशि के लोगों को आज अपना स्वास्थ्य और अपनी माता का स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए परेशानी हो सकती है और जिसके कारण मन उदास भी रहेगा, चिंतित भी रहेगा। तो ये चिंता थोड़े से केसर या चने की दाल के रूप में परमात्मा को अर्पित कराएं मंदिर जाकर, दिन शुभ हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोग आज सुबह सवेरे अगर परमात्मा को जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा और उस कॉन्फिडेंस के जरिए आज आप पूरा दिन जिस कार्य को भी करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, खुशी का माहौल रहेगा और आपके अपने आप का साथ देंगे। धनुराशि के लोग आज अगर खोए की किसी भी प्रकार की मिठाई या पतासे मंदिर में चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो आज हर तरह की कामयाबी है, परिवार का सुख सहयोग भी है और हर तरह से खुशी भरा दिन भी है, तो आज खुशियाँ मनाएं। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, माँ के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है बच्चे के कारण, तो इसके पीछे बच्चे की कुंडली का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? बेटा, जब बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा को कोई भी ग्रह टक्कर मार रहा हो, खराब कर रहा हो, तो वो बच्चे की मनोअवस्था और उसकी बुद्धि को उतावलेपन पे और किसी न किसी खराबी के पन पे ले जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा थोड़ा एग्रेसिव भी होता है या बिल्कुल ही बुद्धू होता है, यानी कि मन के अंदर जो विचार बना करके एक अच्छे प्लान बनाने चाहिए
वो नहीं बना पाता, तो उससे माँ के मान सम्मान को ठेस पहुँचती है, क्योंकि सब लोग बोलते तो माँ को ही है ना कि इसको क्या संस्कार दिए, इसको कैसा बनाया है। ठीक है, शायद तुम यही बात कह रहे थे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा को अलग से निकालना बहुत ज़रूरी होती है, होता है। और चंद्रमा का जो जन्म कुंडली के अंदर सबसे उत्तम स्थान है वो है जन्म कुंडली का दूसरा घर। लेकिन चंद्रमा का नजायज बच्चा जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला गया वो बुध को बोला गया है, तो पता नहीं कहां से ये विधान बना कि घर के मंदिर के अंदर भगवान की पीतल की मूर्तियां रख देते हैं, पीतल की जोत रख देते हैं, पीतल की थाली रख देते हैं, और नहीं तो पीतल की स्ट्रिप्स के साथ में उसको सजा देते हैं। ठीक है, तो घर के मंदिर के अंदर अगर पीतल की वस्तुएं होंगी तो बच्चों की तरफ से मिलने वाले सुख और उनके द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए यहाँ दिक्कत बनती ही बनती है। तो इसलिए घर के मंदिर के अंदर आप चाहे और किसी भी धातु का किसी भी चीज़ का प्रयोग करें, लेकिन वहाँ पर पीतल की घंटी, पीतल की जोत, पीतल की थाली और पीतल की परमात्मा की मूर्ति बिल्कुल ना रखें। एक तो ये काम करना है, और दूसरा अगर इस तरह के हालात हो, बच्चे की मनोवस्था के कारण ही माँ को माँ के सम्मान में दिक्कत आ रही हो, तो 43 दिन लगातार थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री लेकर के मंदिर के अंदर रखवा दीजिए, और घर के मंदिर के अंदर 2 किलो चावल उनको हल्दी से पीले करके सफ़ेद सूती कपड़े के अंदर बांध कर उसमें चांदी का एक चकोर टुकड़ा डालकर घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इससे बच्चे की बुद्धि हर तरह से काम आने लगेगी, बच्चे के अंदर सुधार आने लगेगा और माँ की इज्जत बढ़ने लगेगी। बहुत खूब, ये सटीक जानकारी सिर्फ आपको एस्ट्रो साइंस में मिलेगी और कहीं नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों को आज परिवार का सुख सहयोग तो लिखा ही है, और कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं, और कोई ना कोई खुशियों भरा माहौल की आहट भी आपको आज सुनाई देगी। तो आज के दिन किसी भी कार्य को ठानकर जो आप करते हैं उसमें शुभ समाचार ही आपको मिलने वाले हैं, और अचानक कोई खुशखबरी भी आपके घर पे आ सकती है। तो सुबह सवेरे अपनी माँ का आशीर्वाद लें, थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में दें, ये आज के दिन को और भी शुभ करेगा। कुंभ राशि के वो लोग जो आज किसी के घर जाने वाले हैं, खुशी मनाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, इनका दिन बहुत शुभ है। ये आज जहाँ भी जाएंगे अपना प्रभाव ये जमा कर आएंगे, अपनी बातों से अपना वर्चस्व बना करके आएंगे। तो इस चीज़ के लिए आज का आपका दिन अच्छा है। सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मिठाई दें, पांवा लगा के आशीर्वाद लें, और अच्छा लगेगा। मीन राशि वालों को मन के अंदर थोड़ा सा भटकाव की स्थिति रहेगी, उसके कारण थोड़े परेशान रहेंगे, और ये दोनों चीज़ होंगी तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज सुबह चने की दाल मंदिर में देकर परमात्मा से आशीर्वाद लेकर और परमात्मा को कहें कि खुशी भरा मन और दिन आपको दे, तब दिन शुभ होगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, बच्चे जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, माँ को ही अपशब्द सुनाते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो ऐसे बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, ये बताएं। इस दुनिया के अंदर कभी किसी खास वक्त के ऊपर किसी को गुस्सा आना वो शुभ होता है, वो शुभ नहीं होता, वो गलत चीज़ों पे आता है। लेकिन बच्चे का हर वक्त गुस्सा करना ये बहुत ही अशुभ होता है। एक खौलता पानी ले लीजिए, उबलता पहाड़ ले लीजिए, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। तो जब हर वक्त किसी के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, माँ का अपमान करना, घर के माहौल को ख़राब करके रखना, ये होगा तभी जब वो पहले अपने मन को त्रास देगा। पहले अपना मन उसका खराब होता है तब इस तरह के हालात बनते हैं। वो माँ का जब अनादर कर रहा होता है या घर में किसी और का अनादर भी करे तो वो पहले तो अपने आप को खराब कर रहा है, तब उसके ये हालात बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बच्चा दया का पात्र बनता है, क्योंकि इसको लाल किताब बोलती है भोला बादशाह, जिसको अपने बारे में पूरी समझ और अकल नहीं है। ठीक है, ये लोग जल्दबाजी में गलत काम भी कर जाते हैं तो उससे और दुख पैदा होते हैं। तो इन लोगों के साथ में होता क्या है, जब भी कभी चंद्रमा को मल्टीपल ग्रह टक्कर मारते हैं उस वक्त में ये हालात पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे यहाँ संस्कारों के अंदर एक बहुत बड़ी एक विधि बताई गई है,
और वो है सतनाजा। ठीक है, यानी कि सात अनाज इकट्ठे करके आप अगर गूगल करेंगे अभी आपको मिल जाएंगे कौन कौन से अनाज होते हैं। तो सात अनाजों को इकट्ठा करके अगर हर रोज पक्षियों को डालने का काम किया जाता है या सात अनाज इकट्ठे करके इसको पिसवा कर इसका आटा बनवा करके इसकी रोटी बना करके अगर पक्षियों को डाली जाती है, जानवरों को डाली जाती है, तो बच्चे की ये मनोवस्था अपने आप काबू में आने लगती है और वो फिर ना माँ का अपमान करेगा ना किसी और का करेगा और घर के अंदर खुशहाली का वातावरण अपने आप आ जाता है। गुरुदेव, अगला सवाल, माँ की सेवा से क्या मेवा मिलता है, ये दर्शकों को बताइए ताकि माँ की सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा जी, जो लोग स्वार्थवश माँ की सेवा करते हैं कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, गहने मिल जाएंगे, ये लाख कोशिश कर लें बेटा ये जिंदगी के अंदर कभी सुखी नहीं रह सकते। बस एक जिंदगी के अंदर झटका चाहिए जिसके अंदर ये गिरेंगे और उसके बाद उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का स्वार्थ अपने मन के अंदर है ऐसा स्वार्थ कहीं हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर हो गया ना तो ये माँ बाप तो धक्के ही खाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए माँ की सेवा स्वार्थ के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं, माँ तो स्वयं सारे परिवार की सेवा करती है तो उसको तो सेवा की जरूरत होती नहीं। माँ को एक ही पक्ष पे आकर सेवा की जरूरत पड़ती है जब वो स्वयं दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से सक्षम ना रहे। ठीक है, उस वक्त में अगर आप सच में माँ के दिए हुए दुखों को सहते हैं, माँ अगर दिमागी रूप से सक्षम नहीं है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, आप उसकी सच में निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसको कोई दुख नहीं होने देते, माँ कि दिमाग की वजह से अगर घर में कलेश भी उत्पन्न हो रहा है तब भी उसको खुश रखने का यत्न अगर आप लोग करते हैं तो ये बनती है मन की एक्सरसाइज, मन यानी कि चंद्रमा। और इसको जैसे ही हम इतना पवित्र रखते हैं, निस्वार्थ रखते हैं और अपनापन जताते हैं, इससे आपको एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप गलत नहीं हो। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप दुनिया के बुरे से बुरे हालात के साथ में लड़ने को तैयार हो जाते हो और लड़ते भी हो, और चाहे आप चार बार हार भी जाएं लेकिन जो पांचवी जीत निकल के आएगी वो बहुत ही सुखकारी होगी और आपको जीवन का पूरा आनंद देगी। तो माँ की सेवा निस्वार्थ करने से आदमी अपने कामकाज के अंदर बहुत तरक्की पैदा करता है, कामकाज के अंदर नाम कमाता है, समाज के अंदर अपने संस्थान के अंदर नाम कमाता है और वो किसी का मोहताज नहीं होता और स्वयं कमा करके खाना उसको आता है और जीवन चलाना उसको आता है। माँ की सेवा इतना कुछ दे देती है बेटा, तो इसलिए माँ की सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए। गुरुदेव, जिन माओं को संतान सुख नहीं है वो माएँ क्या उपाय करें? बेटा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है तो इसीलिए किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि जिन माओं को संतान का सुख नहीं है, उनको संतान प्राप्त नहीं हुई है, वो 11 पूर्णमासी अगर ब्रह्म सरोवर, ठीक है, पुष्कर राज्य में जाकर के स्नान करते हैं, पहले पूजा करते हैं फिर स्नान करते हैं और आचमन लेते हैं वहां जाकर के 11 बार मियां बीवी दोनों, तो उनको संतान की प्राप्ति जरूर दर जरूर होगी, ब्रह्मा जी की कृपा उन पर जरूर बरसेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बनाए। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9999905222। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। और एस्ट्रो साइंस की पूरी टीम की तरफ से मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।